आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है और आज हम एक वर्चुअल सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं जो ब्रेल पर है। हमारा टारगेट ग्रुप है अडल्ट ब्लाइंड और हम ये अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग ब्रेल अवश्य सीखें, खास तौर से वो लोग जो इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सबसे निवेदन करता हूं हमारे निदेशक महोदय से कि वो आज के इस वेबिनार का उद्घाटन करें और हमारे लिए कुछ प्रेरणादायक शब्द बोले। मैं डॉक्टर हिमांशु दास जी से निवेदन करता हूं कि इनॉग्रेट करें। धन्यवाद। नमस्कार कमलवीर सिंह साहब, नमस्कार। आपकी सही आपके सभी जो साथ जुड़े हुए निपेट के हमारी स्टाफ है, फैकल्टी है, जिन्होंने आपको सहायता प्रदान की है इस वेबिनार को शुरू करने में और इस सीरीज ऑफ वेबिनार जो आपने प्लान किया है एडल्ट ब्लाइंड लोगों के लिए, लो विजन एंड पार्शियली साइटेड लोगों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि देश में शायद पहली बार ऐसा मुहिम चलाया गया है जिसमें एडल्ट ब्लाइंड, पार्शियली साइटेड, लो विजन या डेफ ब्लाइंड सबको मिला के हम लोग एक अलग प्रकार का वेबिनार सीरीज शुरू किए हैं। इसके लिए निपेट के समूह फैकल्टीज को मैं बधाई देता हूँ, टीसीएबी को भी बधाई देता हूँ, जो लोग आपको मदद करते हैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि जितने भी एडल्ट ब्लाइंड हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी अपना सजेस्टेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि हमारी रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है एनआईवीएच में, फैकल्टी एंड रिसोर्स मैन पावर बहुत ही उच्चे उम्दा स्तर के हैं, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। आप हमें मैसेज के जरिए, कमेंट के जरिए आप हमें बताएं क्या और ऐसा टॉपिक है, क्या और ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम लोग ऐसे प्रकार का वेबिनार के साथ आपके साथ साल भर और आने वाला सालों में भी जुड़े रहे। आज का जो विषय है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल एनी चेंजेस। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर हम देखें बहुत से हमारे पास ब्लाइंड बंधु होंगे, दिव्यांग बंधु होंगे, बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो स्कूल में किसी कारण से ब्रेल नहीं पढ़ पाए, जिस वजह से वो आज ब्रेल नहीं पढ़ पाते या लिख नहीं पाए। ऐसे बहुत से लोगों से मैंने मिला जो शहरों में रहते हैं और पब्लिक स्कूल अगर आ जाते हैं और उनको छोटी उम्र से ही कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे कुछ इंटरनेट अगर मिल गए हैं, वो लोग भी किसी ना किसी कारण से पब्लिक स्कूलों के सिस्टम के अंदर वो लोग ब्रेल से अवगत नहीं हो पाए। ऐसे बहुत बच्चे मुझे समग्र शिक्षा अभियान में भी मिले जो ब्रेल में स्किल्ड नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत आते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो ये एक मुहिम की आवश्यकता है जिसके अंदर हम चाहेंगे कि जो एडल्ट हमारी ब्लाइंड है देश भर में, किसी भी उम्र के हो, उनको हम इस बात को समझा पाए और उनके लिए आने वाले दिनों में हम किस प्रकार का मुहिम चलाएं कि देश में कोई भी ऐसा ब्लाइंड हो, किसी भी उम्र का हो, जो ब्रेल रीडिंग, ब्रेल राइटिंग इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में हो, वो पारगत हो। तो आज का वेबिनार के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रण करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद है इस प्रकार के हमारी जो मुहिम है इसमें सब लोग साथ जुड़ेंगे और अपन आपके साथ जितने भी और सहभागी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, ब्लाइंड एसोसिएशंस हैं और भी जितने लोग आप लोगों को लगता है कि इस प्रकार के प्रणाली में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी आप लोग जोड़ने की कोशिश करें अपने अपने स्तर पे और अपनी जरूरतों को हमें बताने की कोशिश करें, जिससे हम चाहेंगे जग्गी साहब की देख रेख में, जग्गी साहब की अगुवाई में इस चीज को हम बहुत आगे तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल शब्द जो तो आपने बोले उन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं जो आज आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। आज इस वेबिनार के लिए हमने एक एक्सपर्ट जो ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी लोग ब्रेल जानते हैं उनमें जो सबसे अग्रणी व्यक्ति है उनको हमने इनवाइट किया है। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं इंटरनल फैकल्टी को आमंत्रित करूंगा। हमारे साथ रोहित हैं जो एमएसवीएच के स्टूडेंट रहे हैं पहले और आज टीसीएबी में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, ब्रेल सिखाते हैं। तो रोहित
एमएसवीएच में जब थे तभी हमने नोटिस किया था कि ब्रेल में इनकी अच्छी समझ है और पकड़ है। रोहित एसएसए सर्व शिक्षा अभियान मुजफ्फरनगर में भी कार्यरत रहे हैं, इन्होंने एमए दो विषयों में किया है और ब्रेल रीडिंग में एक नेशनल अवार्ड भी प्राइज भी इन्होंने जीता है, वो 2008-09 में शायद हमारे यहाँ से ये पार्टिसिपेट करने एमएसवीएच से ही गए थे। तो सबसे पहले मैं रोहित को आमंत्रित करता हूँ जो इंट्रोडक्शन टू ब्रेल इस बारे में बात करेंगे। रोहित। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर कमलवीर सर और वीडियो सर और लक्ष्मी मैम, इंचार्ज ढालवाल सर और सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, तो आज का जो हमारा विषय है उसका प्रारंभ मैं कर रहा हूं ब्रेल के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने उठता है कि ब्रेल क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रेल। ब्रेल इज अ टेक्टाइल मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल डेवलप्ड बाय लुईस ब्रेल। ये सीधी सी भाषा है, सीधी सी परिभाषा है ब्रेल की, पर अगर हम आम भाषा में समझें तो लोगों की विचारधारा होती है कि ब्रेल एक लैंग्वेज है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ब्रेल एक लैंग्वेज नहीं है, अभी तो एक लिपि है, एक ऐसी लिपि जिसको स्पर्श करके दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ते तथा लिखते हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले लिपि के आविष्कारक कहें या जनक कहें, लुई ब्रेल ने किया था, उन्हीं के द्वारा इस लिपि का निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया। और इस लिपि की जो विशेषता है सबसे बड़ी, ये भी है कि इसको हम विश्व की किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिंदुओं पर आधारित लिपि है और इससे पढ़ना आसान है इसके माध्यम से, क्योंकि हम बिंदुओं के आकार को जब देखते हैं तो इसके बिंदुओं की आकार की जो दूरी है और आकार की जो समानता है वो भी एक जैसी है, क्योंकि ये हमारी उंगली के माध्यम से पढ़ने का तरीका है ब्रेल। इसीलिए हमें छह इन बिंदुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मैंने कहा था कि ब्रेल इज अ टेक्टाइल मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल, तो ये तो आप समझ गए, लेकिन आप समझे कि ये जो टेक्टाइल मेथड है वो है किस प्रकार का। ये टेक्टाइल मेथड है बिंदुओं का और छह बिंदुओं का है। छह बिंदुओं का किस प्रकार से है, तीन तीन बिंदुओं के, तीन तीन बिंदुओं के दो कॉलम है या दो पंक्तियां समझ लीजिए आप इसको, जो एक सेल में है। तीन बिंदु हमारे लेफ्ट साइड में है और तीन बिंदु हमारे राइट साइड में होते हैं। और इसी के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के अक्षरों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रत्येक भाषा के अक्षरों का निर्माण होता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए एक बहुत ही सुगम और सरल माध्यम है पढ़ने लिखने का, इसमें इतनी जटिलता नहीं है, क्योंकि ये भाषा को जोड़ती है। भाषा को जोड़ती कैसे है, जिस प्रकार से हम अंग्रेजी के अक्षरों को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हिंदी के अक्षरों को पढ़ते हैं बिंदुओं से। तो लिपियों, अलग अलग भाषाओं की लिपियों के अंतर्गत समावेशित होने वाली लिपि ब्रेल लिपि है। अब हम इसके जो जनक हैं लुई ब्रेल जी, उसके विषय में थोड़ा समझ लें, ताकि हमें पता लग जाए कि ब्रेल लिपि का जब प्रारंभ हुआ वो हुआ कैसे था। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा लुई ब्रेल के विषय में, क्योंकि जो व्यक्ति आज हमसे जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से उनको पता होना चाहिए कि लुई ब्रेल ने क्यों और किस अवसर पर, किस समय, किस आवश्यकता के आधार पर इस ब्रेल का निर्माण किया, वो पहले कैसे पढ़ते रहे होंगे। लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था,
फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर ऊपर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता घोड़ों की लगाम तथा जीन बनाने का कार्य करते थे। लुई ब्रेल बचपन में ही दृष्टिबाधित हो गए थे, 3 वर्ष की उम्र में जब थे वो। उसके बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तब उनका दाखिला करा दिया गया पेरिस ब्लाइंड स्कूल में। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, क्योंकि वो दृष्टिबाधित हो गए थे। पर विद्यालय थे उस समय, पढ़ाई होती थी, पढ़ाया जाता था। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, उस समय जब वो यानी लुई ब्रेल विद्यालय गए तो ब्लाइंड स्कूल जो था, पेरिस ब्लाइंड स्कूल, उसमें उन्हें सामान्य लिपि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो वहां पर दृष्टिबाधित पढ़ते थे सामान्य लिपि को उभार कर, फिर एक बार सन 1821 में जब फ्रांसीसी सेना के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर पेरिस ब्लाइंड स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने फ्रांसीसी सेना में प्रचलित नाइट स्क्रिप्ट के विषय में जानकारी प्रदान की। नाइट स्क्रिप्ट जो थी वो भी बिंदुओं पर आधारित थी, पर वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। उसमें जो सैनिक फ्रांसीसी सेना के सैनिक थे उनको संदेश भेजने के लिए प्रयोग करते थे वो नाइट स्क्रिप्ट का। नाइट स्क्रिप्ट में 12 बिंदु थे लेकिन वो सेना के लिए थी, वो संदेश भेजने के लिए थी। इसीलिए उससे लुई ब्रेल प्रभावित हुए, क्योंकि वो बिंदुवार आधारित लिपि थी। और रात्रि में जब उसका वो प्रयोग करते थे सेना के अधिकारी और सैनिक, तो लुई ब्रेल का इस उनकी बात पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने सोचा जब सैनिक रात्रि में बिंदुओं स्पर्श करके बिना देखे एक नाइट स्क्रिप्ट का प्रयोग करके अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो क्यों ना हम दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इस लिपि का प्रयोग करके पढ़ लिख सकते हैं। तो लग गए लुई ब्रेल मेहनत करने में और बना डाली उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि। इसीलिए इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा, क्योंकि लुई ब्रेल के नाम पर ही इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। तो 6 बिंदुओं पर आधारित जो उन्होंने लिपि बनाई उसमें उन्होंने 63 करेक्टर रखे और फ्रांसीसी भाषा में उसको लिपिबद्ध किया, संगीत की नोटेशन भी लिखी और अपने व्यक्तिगत पठन पाठन के लिए उसका प्रयोग करने लगे। वो धीरे धीरे उन्होंने विराम चिन्ह भी बना दिए इसमें। और जब लुई ब्रेल ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो वे उसी विद्यालय में शिक्षक बन गए। फिर उसके बाद लिपि के उनके जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता न मिल सकी और उनकी मृत्यु के पश्चात यानी 6 जनवरी 1852 को जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद 16 वर्ष बाद ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। फ्रांसीसी सरकार ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी और धीरे धीरे ये ब्रेल लिपि ब्रिटेन, अमेरिका और समूचे विश्व में फैल गई और हमारे देश में भी प्रचलित हो गई। तो ये तो ब्रेल के संबंध में एक जानकारी इसलिए थी क्योंकि ब्रेल लिपि जो लुई ब्रेल ने बनाई वो किस प्रकार से बनाई ये मैंने आपको बताया। उन्होंने 12 बिंदुओं को 6 बिंदुओं में समावेशित करके कॉम्बिनेशन के आधार पर 63 करेक्टर बनाए। अब ये 63 आकृतियां जो बनाई उन्होंने इन्हीं के अंतर्गत सारे अक्षर समावेशित होते हैं। हालांकि कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं भाषा के, उनको 2 सेल में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो 6 बिंदुओं के अंतर्गत 63 आकृतियां हैं अधिकतम, उसको आप 1 सेल में ही समझ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि कुछ देखने वाले व्यक्ति भी साथ साथ जुड़े होंगे और दृष्टिबाधित व्यक्ति समझ भी सकते हैं आसानी से।
कि ये छह बिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? छह बिंदुओं का कॉन्सेप्ट और छह बिंदुओं पर आधारित जो 63 कैरेक्टर हैं उसको 7 लाइन में डिवाइड किया गया, यानी 7 प्रकार की पंक्तियों में विभाजित करके प्रत्येक अक्षर को, ब्रेल के अक्षर को, ब्रेल का अक्षर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी भाषाओं में समावेशित है, ब्रेल के प्रत्येक अक्षर को दर्शाया गया। आपके सामने इस समय पहली लाइन है ब्रेल की, जो ब्रेल के 63 करेक्टर्स के अंतर्गत आने वाली बेस लाइन के नाम से जानी जाती है। इस बेस लाइन में ब्रेल के 6 बिंदुओं में से 4 बिंदुओं को प्रयोग करके पहली लाइन बनती है। 4 बिंदु ऊपर के प्रयोग होते हैं, यानी कि डॉट नंबर 1, 2, डॉट 4 एंड डॉट 5। डॉट 1 आपका लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर है, पढ़ते समय आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे डॉट 2 है और डॉट 4 है डॉट 1 के सामने, डॉट 4 के नीचे डॉट 5 है, इसके बगल में मैंने अगले वाले सेल में डॉट 1 को एम्बोस किया है ताकि आप आसानी से समझ पाए। डॉट 1 पहली लाइन यानी बेस लाइन का पहला अक्षर है, इसके इस अक्षर से यानी ब्रेल के अक्षर से विभिन्न भाषाओं के अक्षर का निर्माण होता है, चाहे आप इसको अंग्रेजी का ए अक्षर मान लीजिए या फिर हिंदी का अ या फिर उर्दू का अलिफ या फिर अल्फा फ्रांसीसी भाषा। तो ये हमारी बेस लाइन का पहला अक्षर है डॉट 1। इसके बाद फिर मैंने डॉट 6 एम्बोज किए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद दूसरा अक्षर दर्शाया गया है बेस लाइन का डॉट 1 एंड 2, लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर के 2 बिंदु हैं इसमें 1 एंड 2। उसके बाद फिर डॉट 6 दर्शाए हैं, डॉट 6 यानी डॉट लोकेटर के रूप में दर्शाए जा रहे हैं, वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आगे वाला अक्षर हमारा क्या है। बेस लाइन का तीसरा अक्षर है डॉट 1 4, इसको हम बेस लाइन का यानी ब्रेल के 7 लाइन सिस्टम की पहली लाइन का तीसरा अक्षर कहेंगे। और भाषा के दृष्टिकोण से भी ये अपने अपने हिसाब से प्रोनंसिएशन के हिसाब से विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी में सी, हिंदी में च और अन्य भाषाओं में। अगला अक्षर है ब्रेल का यानी ब्रेल का ही मानेंगे हम इसको, किस भाषा का नहीं, ब्रेल लिपि का। चौथा अक्षर 1 4 5, ये पहली लाइन आपको समझाना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगला अक्षर है 1 5, यानी पहली लाइन का पांचवा अक्षर 1 5 होगा। उसके बाद छठा अक्षर आता है हमारा बेस लाइन का 1 2 4, और सातवां अक्षर है बेस लाइन का 1 2 4 5, साथ में डॉट लोकेटर्स भी हैं, समझना बहुत आसान है। अगला अक्षर यानी आठवां अक्षर पहली लाइन का 1 2 5, इसमें 3 अक्षर हैं क्योंकि इससे पहले जो हमने सातवां अक्षर देखा वही हमारा बेस है इस अक्षर का, इस लाइन का, पहली लाइन का। ऊपर के जो 4 अक्षर लिए गए हैं उस पहली लाइन के सातवें अक्षर को आप ध्यान से देखें। इसके बाद आठवां अक्षर मैंने बता दिया, फिर जो 9th अक्षर है बेस लाइन का 2 4 है, और इसको भी आप डॉट लोकेटर की सहायता से समझ लें। अंतिम अक्षर पहली लाइन यानी बेस लाइन का 2 4 5, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ब्रेल के इंट्रोडक्शन को सरलतापूर्वक समझ सके। और ब्रेल हालांकि कॉन्सेप्ट इसका समझना आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तभी आप इसको आसान बना सकते हैं अपने पढ़ने लिखने के माध्यम के लिए के रूप में। अब मैं आपको दिखाऊंगा 7 लाइन सिस्टम की या फिर ब्रेल की, ब्रेल स्क्रिप्ट की 2nd लाइन। कोई नहीं, आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ लीजिए इसको।
इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेस लाइन पर ही आधारित है, बेस लाइन यानी पहली लाइन पर। तो पहली लाइन जो मैंने आपको बताई अभी, उसमें 10 अक्षर थे पूरे, और सेकंड लाइन में भी 10 ही अक्षर हैं। इन 10 अक्षरों को एक एडिशनल सिस्टम के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से ऐड करके 10 अक्षर बन जाते हैं। यदि हम बेस लाइन में 7 लाइन सिस्टम की या ब्रेल की पहली लाइन में डॉट नंबर 3 और ऐड कर देंगे, समझ लीजिए जैसे कि डॉट 1 मैंने बताया था आपको ब्रेल का पहला अक्षर, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो दूसरी लाइन का पहला अक्षर अपने आप बन जाएगा, यानी 1+3 इज इक्वल टू 1 3, 1 2 3 बराबर 1 2 3, 1 2 + 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम पूरे 10 अक्षरों में डॉट 3 ऐड करते चले जाएंगे तो ब्रेल के 20 अक्षर यानी 20 करेक्टर्स और बन जाएंगे, जो कि हमारे कई भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद मैं आता हूं ब्रेल सिस्टम की, ब्रेल स्क्रिप्ट की तीसरी लाइन पर। यह है आपके सामने ब्रेल की तीसरी लाइन। इसमें हमें बेस लाइन में जो हमने पहली लाइन देखी थी उसमें डॉट नंबर 3 6 और करना, 3 6 ऐड करना है ताकि हमारे 10 अक्षर और बन सके। यही फॉर्मूला है ब्रेल का, ब्रेल स्क्रिप्ट का, ये ब्रेल स्क्रिप्ट का फॉर्मूला है। ब्रेल के जो 10 अक्षर हैं उसमें थोड़ा समझ लीजिए, डॉट नंबर 1 3 6 थर्ड लाइन के, थर्ड लाइन का पहला अक्षर 1 3 6, दूसरा है 1 2 3 6, ये सब बेस लाइन में जुड़ रहे हैं पहली लाइन में। तीसरा है 1 3 5 6, तो इसमें सब में 5 6 ऐड हो जाएंगे ए टू जे, तो ये अपने आप ब्रेल के 10 अक्षर और बन जाएंगे। तो 3 लाइन हो चुकी है हमारी। अब चौथी लाइन है आपके सामने, चौथी लाइन में बेस लाइन में हमें डॉट 6 ऐड करना है। डॉट 6 कैसे ऐड करेंगे, डॉट 1 में 6 ऐड कर देंगे, 1 2 में 6 डॉट 6 ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारी फोर्थ लाइन बन जाएगी। 40 अक्षर ब्रेल के इस प्रकार से बन जाएंगे, पूरे 63 करेक्टर समझने हमें, क्योंकि ब्रेल का बेस है। पांचवी लाइन आती है, अब पांचवी लाइन भी बेस लाइन पर ही आधारित है, लेकिन इसमें ऐड करने वाला सिस्टम नहीं है, डॉट के ऐड करने वाला सिस्टम नहीं है। इसमें ब्रेल के जो डॉट्स हैं उनको लोअर फॉर्मेट में इंगित किया जाता है। जैसे ऊपर हमने बेस लाइन देखी थी सबसे पहली वाली, उसमें 4 बिंदु थे 1 2 4 5, तो इसमें यानी पांचवी लाइन में जो होंगे वो 1 2 4 5 नहीं होंगे, बल्कि 1 और 4 को हम नहीं जोड़ेंगे, 2 3 5 6 ऐड करेंगे। तो इसके आधार पर भी ब्रेल के 10 अक्षर यानी 10 करेक्टर बन जाएंगे। इसको आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डॉट 2 होगा पांचवी लाइन का पहला अक्षर, 2 3 दूसरा अक्षर होगा, 2 5 तीसरा अक्षर होगा, उसके बाद 2 5 6 चौथा अक्षर होगा पांचवी लाइन का, क्योंकि बेसिक हमको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद 2 5 होगा, 2 5 के बाद 2 3 5 होगा, फिर उसके बाद 7वां अक्षर जो कि इसका भी बेस है वो होगा 2 3 5 6, 8वां अक्षर होगा 2 3 6, सॉरी सॉरी
2, 3, 6 हाँ देख लीजिए आप ध्यान से दिखाने के ध्यान से देखिए उसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं जो समझ लीजिए अगला है 3, 5 ये नाइन्थ अक्षर है पांचवी लाइन का अगला है 3, 5, 6 तो ये इस प्रकार से पांचवी लाइन के भी लोअर फॉर्मेट पर यानी लोअर डॉट्स पर आधारित पांच अक्षर करेक्टर दस करेक्टर बन जाते हैं ये पांचवी लाइन के। अगला है हमारी सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है छठी लाइन का वो अपने आप में छठी लाइन से ही बेस लिया गया है। इसमें अब तक जो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ लाइन जो देखी वो सब बेस लाइन पर ही टिकी हुई थी लेकिन जो छठी लाइन है ब्रेल की वो छठी लाइन के पहले अक्षर के आधार पर निर्मित है। तो पहला अक्षर ब्रेल का छठी लाइन का जो है 3, 4, 5, 6 है ये इसी पर आधारित है यही बेस है इसका। नहीं नहीं कोई नहीं समझ लीजिए आप अगर नहीं दिख पा रहा आपको तो अगला है 3, 4, 6 ये भी 3, 4, 5, 6 में से ही है एक डॉट कम हो जाता है इसमें 5 का तो 3, 4, 6 हो गया। फिर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यानी 3, 4, 5, 6 के आधार पर 3, 4, 5 होता है अगला तीसरा अक्षर। चौथा अक्षर है हमारा 3, 4 पांचवा अक्षर है छठी लाइन का 3, 6 और छठा अक्षर डॉट 3 होगा। तो अभी तक हमारे 10, 20, 30, 40, 50 पांच लाइन में 50 और छठी लाइन में 56 अक्षर हो गए ब्रेल के। ये ब्रेल का कॉन्सेप्ट है एक सेल का सिर्फ इसीलिए ब्रेल बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है लॉजिकल है एकदम यूनिक कोड पर आधारित है। अगला है आपकी सातवीं लाइन ब्रेल सिस्टम की ब्रेल सिस्टम कहूंगा इसको मैं ब्रेल स्क्रिप्ट कहूंगा। तो ब्रेल स्क्रिप्ट की सातवीं लाइन का जो बेस है वो भी सातवीं लाइन पर है। मजे की बात यह है कि छठी लाइन में 6 अक्षर और सातवीं लाइन में 7 अक्षर तो सातवीं लाइन के जो 7 अक्षर हैं ब्रेल के 7 करेक्टर्स हैं वो उसका बेस भी सातवीं लाइन में ही है। सातवीं लाइन में जो बेस है वो है 4, 5, 6 पहला अक्षर सातवीं लाइन का दूसरा अक्षर होगा 4, 6 ये मैंने अरेंज करके लिखा हुआ इसमें और दर्शाया है पेंसिल से। हालांकि देखने अगर दिक्कत हो रही है तो लेकिन समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज का हमारे माइंड में बैठ जाता है तो वो चीज हमें समझ में आ जाती है। तो देयर इज नीड टू डेवलप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। अगली चीज है अगला अक्षर है हमारा तीसरा अक्षर सेवन लाइन का 4, 5 उसके बाद है 5, 6 फिर है .4, .5 और .6 तो ये 7 लाइन सिस्टम की सातवीं लाइन में 7 अक्षर हो गए। ये ब्रेल की परिभाषा को समझाने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आप लगनी आ रही मैडम ये आसानी से समझाने के लिए ताकि आप ब्रेल के अक्षरों को समझ सके पेन कम कर थोड़ा समझ सके और इसके माध्यम से ब्रेल की जो विभिन्न भाषाओं में प्रयोग करने की तरीका है या हम ब्रेल को जो प्रयोग करते हैं अगर हम यूज भी करते हैं ब्रेल को जानते भी हैं हम लेकिन अगर हम ब्रेल का बेस नहीं जानते बेसिक नहीं जानते तो हम हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि आखिर ब्रेल हम जब यूज कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास और भी माध्यम है उनका प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन नहीं जो ब्रेल लिपि है वो हमें सीधे किसी भी भाषा से जोड़ती है अक्षर ज्ञान कराती है ताकि हम अपने पढ़ने के कॉन्सेप्ट को समझ सकें क्योंकि कॉन्सेप्ट देती है हमें चीज। जब तक हमारे सामने किसी चीज की आकृति नहीं होगी
तब तक हम उस चीज को समझ नहीं सकते, इसीलिए ब्रेल लिपि हमें आकृति प्रदान करती है उस चीज की, क्योंकि जिस तरह से प्रिंट में ए बना है वो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि ए है, इसका आकार है। वो आकार हमारे सामने तभी प्रस्तुत होगा जब किसी लिपि से हम पढ़ सकेंगे, तो इसलिए ब्रेल लिपि का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेशन के आधार पर मैंने आपको यह समझाया। अब यही जो करेक्टर थे 63 करेक्टर, यही एबीसीडी में भी समाविष्ट है, यही आ ई में भी समाविष्ट है, और यही अन्य उर्दू भाषा में अल्फा अलिफ बे फे इसे भी समाविष्ट है। तो इसी के आधार पर आप ब्रेल को समझ सकते हैं, समझ तो सही है, समझ सकते हैं, लेकिन इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको स्वयं इसको अपनाना पड़ेगा और अध्ययन कार्य करना पड़ेगा, ताकि आप एक व्यवस्थित तरीके से अपने आदत में समाहित कर सकें ब्रेल को, अपनी हैबिट में ला सकें, ताकि अक्षर उंगली रखी और अक्षर समझ में आ गया, उसके लिए आपको ब्रेल के अक्षरों को पढ़ना होगा, समझना होगा। और इसके लिए हम लगातार अक्षरों को भी लिख सकते हैं, जैसे डॉट वन को आप लगातार एम्बोज कर दें, फिर उसके बाद टच करके देखें, डॉट वन टू को लगातार एम्बोज कर दें, फिर टच करके देखें, तो ये इसका तरीका है। सिक्स डॉट को समझें, सिक्स डॉट का कॉन्सेप्ट समझें, फिर आप आसानी से ब्रेल को समझ सकते हैं। थैंक यू रोहित जी। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो हमें चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूंगी कि जिस भी स्पीकर से आपको क्वेश्चन पूछना है आप उनका नाम जरूर लिखें। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन रोहित जी से पूछना है तो रोहित जी का नाम लिखें, नेक्स्ट स्पीकर हमारे वीरेंद्र सिंह जी होंगे, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप उनका नाम लिखिए, फिर कमलवीर सिंह जी हैं उनसे पूछना होगा तो आप स्पीकर का नाम जरूर लिखें। थैंक यू। रोहित प्रजापति, आपने ब्रेल को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि ब्रेल को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, उसकी सारी तकनीकी जानकारी जो 7 लाइनों में विभाजन है वो सब आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है इसमें हमारा सारा TCAB स्टाफ पूरी तरह से संलग्न है, श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी के नेतृत्व में, सुपरविजन में सभी लोग, अलका जी, विजेता और नितिन, राहुल, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कोई नाम में मेरे से छूट भी गए होंगे कुछ एक, लेकिन एक पूरी टीम, ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा है कि किस तरह से एक टीम पूरी एक साथ मिल के काम काज करती है। तो सभी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी, मैं पर्सनली भी देना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के वेबिनार में। आज जो हमारे अगले स्पीकर हैं, ब्रेल और वीरेंद्र सिंह, दोनों नाम एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं इंडिया में, और पिछले कई सालों से हमारे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, NIBH में, NIEPVD में, पिछले कई वर्षों से, बल्कि 1988 से ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर थे, और पिछले साल सितंबर में रिटायर हुए हैं BDO जी, 2018 में सितंबर में रिटायर हुए हैं। बहुत बड़ा परिचय है इनका, लेकिन मैं उसे संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। जब रिटायर हुए थे तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे चार्ज वीरेंद्र सिंह जी के पास थे, जो आज के हम दृष्टिहीनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं कि इन्होंने एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टीट्यूट में संभाल रखी थी। TCAB के हेड थे, ब्रेल प्रेस के हेड थे, परचेज सेक्शन को संभाल रहे थे, इसके अलावा कई अन्य सेक्शन संभाल रहे थे, CVC जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में यहाँ मौजूद थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो थोड़ा मुश्किल लगती है सुनने में, वो सभी चीजें इन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूट में संभाली, और हम सबके लिए एक एग्जाम्पल
छोड़ा कि ये सब चीजें दृष्टिहीन भी बड़े सरलता से संभाल सकता है अगर सहयोग पूरा पूरा सबका प्राप्त हो तो। 1996 में इन्हें ग्रुप लीडरशिप अवार्ड मिला था जापान में, और इसके अलावा 1998 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी वीरेंद्र सिंह जी को मिल चुका है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जी हमारे अपने यहाँ के छात्र रहे हैं पहले, बहुत पहले, और मॉडल स्कूल में छात्र भी टीचर भी, बाद में प्रिंसिपल इंचार्ज भी रहे हैं। तो एक प्रेरणा स्रोत हमारे लिए, और हमारे शॉर्ट नोटिस पर, हम रिक्वेस्ट पर आज वो हमारे बीच आए हैं। और ब्रेल पर जो इंट्रोडक्शन रोहित ने दिया और जो तकनीकी जानकारियां दी, सेवन लाइन सिस्टम समझाया, मैं चाहूंगा कि उससे थोड़ा आगे ब्रेल में डीपर इंसाइट्स की हमें इनकी जरूरत है। और हमारा टारगेट ग्रुप, क्योंकि आज अडल्ट ब्लाइंड है, तो इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि अडल्ट ब्लाइंड के लिए, खासतौर से वो लोग जो नहीं सीखते ब्रेल, या जो सीखते हैं और एडवांस में नहीं जाते या उसका इस्तेमाल नहीं करते, उन सब पर वीरेंद्र सिंह जी हमें जानकारियां थोड़ी देंगे और हम सबको प्रेरणा देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सिंह जी की से कि आए और अपना वक्तव्य दें। वीरेंद्र सिंह जी, थैंक यू प्रिंसिपल साहब, ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर हिमांशु दास जी, and at the very outset I would like to congratulate him to take over the responsibility of NIVH, because very recently he has joined as a director of this premier institute. Responsibilities of course is very very onerous, but we believe in his potentials and capabilities. What we have heard from other sources, he is capable enough. So, not taking more time for all these formalities, first I would like to say our principal Kamalveer ji, he has said many many high words in my honor, which I don't deserve, sir, but it was my duty at that time, and I continued to hold the charges of different departments before my retirement, and this was a challenge not for me as a Virendra Singh, but as a challenge to a blind person, an officer. I wanted to prove the ability of a blind officer. He could do something. That's why I did my best to serve the different departments. So I think let me come to the topic directly, because there is paucity of time also. And of course, it was very short notice to me. My familiar face, Lakshmi ji, she has been with me for the last 3 decades. In some way or the other, she is presently looking TCAV, looking after TCAV as supervisor, but she has been associated with me for the last 10 decades in some other responsibilities or otherwise. सो फ्रेंड्स, ब्रेल बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ब्रेल जैसे विषय पे इतने कम समय पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालना निश्चित रूप से सूर्य को दीपक दिखाने की बात होगी। लेकिन जो आपने आज का शीर्षक लिया हुआ है, परिचय और उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल, लेकिन मैं चाहूंगा कि विषय वस्तु कुछ भी हो, जो चीजें कही जाएं उसकी प्रासंगिकता हो और वो बोधगम्य भी हो। कम से कम इस नए वातावरण में अगर आप लोग जुड़े हों, एक तो मैंने पहली बात यह कि बड़ा अजीब सा कृत्रिम वातावरण में आपसे बातें कर रहा हूं, इसका मैं अभ्यस्त अनाचित नहीं रहा हूं, और पहली बार घर से भी निकला हूं 4 महीने बाद मास्क वास्क लगा होगा कि इस कोरोना ने हम लोगों को, जहां विकलांग हम तो हैं ही, उसको डबल हैंडीकैप बना दिया है।
और आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सकता था, फिजिकली आना हुआ और आता रहूंगा क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये चाहूंगा, लेकिन पता नहीं इनकी व्यवस्था में है कि नहीं। अब तक जहां भी मैं बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज करता रहा हूँ, सैकड़ों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ब्रेल एस्पेक्ट्स पे, तो मेरा वन वे ट्रैफिक नहीं होता था डिस्कशन का। मैं तो ज्यादातर चाहता था कि लोग सवाल करें, हम उसका जवाब दें। अब ये मालूम नहीं कि आप कितना उसको, आपके लिए बहुत गम्य हो रहा है कि हम कितने सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। टेक्नोलॉजी की कुछ अपनी कमियां हो सकती हैं, अगर शारीरिक आप शरीर सा शरीर यहाँ होते तो निश्चित रूप से ज्यादा फायदा होता, खैर, लेकिन जिंदगी को जीना है, गाड़ी को पटरी पे दौड़ाना ही होगा। कोरोना जैसे अभिशाप ने सबको मानवता को ग्रसित कर ही लिया है, तो मनुष्य वही है जो जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहे। रोहित जी ने जो बातें कही बड़ी प्रासंगिक थी, बड़ी सूचनाप्रद, लेकिन मैं बात वहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूं। लुई ब्रेल ने जो ब्रेल बनाई थी वो सेवन लाइन सिस्टम के कंसेप्ट को इसलिए डेवलप किया था ताकि लोग सरलता से उसका अधिगम कर सके, सीख सके। और जो लुई ब्रेल ने ब्रेल बनाई थी तो उसमें ये कंसेप्ट नहीं था कि वो किसी भाषा के लिए ब्रेल बना रहा है। उन्होंने छह बिंदुओं को, जैसा कि वो बता चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, अच्छा बताया, बहुत अच्छा, हमारे विद्यार्थी रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सामने आज इस मंच से बोल रहे हैं रोहित, मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा बोला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस तारतम्य को मैं आगे बढ़ाऊं। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल तो बनाई, इसको बोलते हैं मूल ब्रेल, ओरिजिनल ब्रेल सिस्टम। लुई ब्रेल को एक कदाचित एहसास आभास नहीं था कि ये ब्रेल दुनिया के लिए एक वरदान होगी और सभी भाषाओं के लिए एक अवलंब होगा। और उन्होंने जो बनाया वो फ्रेंच को दृष्टिगत रखते हुए बनाया था। तो इन्होंने जो 63 अधिकतम समूह कहें, इनको हम लोग अक्षर बार बार न कहें, ये अक्षर का स्वरूप तो तब लेता है जब किसी भाषा के संदर्भ में हम बात करते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, नॉट लेटर। लेटर बिकम्स व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज, सो वी शुड नॉट कंसीडर इट एज ए लेटर, रादर वी शुड से कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लुई ब्रेल ने इसको लॉजिकल बनाने के लिए 7 लाइनों में विभक्त कर दिया, और बड़ा साइंटिफिक है भी है। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी जो फ्रेंच भाषा थी, अगर आप देखें तो एक लेटर को छोड़ के इंग्लिश से काफी सिमिलैरिटी है उसमें, एक डब्लू नहीं है उसमें, डब्लू वॉज इंक्लूडेड लेटर, इसीलिए उनके क्रम में 40वें नंबर पर आता है, जो लाइन नंबर आपकी पांचवी सॉरी चौथी है, जब आप .6 ऐड करोगे जे में तब उसका निर्माण होता है, इसलिए उस सीक्वेंस में नहीं आया। ABCD करते जाओ तो जेड तक तो आ जाता है, लेकिन W इज ओमिटेड इन द सीक्वेंस। तो अब इसका कालांतर में, मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जरूरी यह है कि जो कड़ी जहां से शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए, और केवल उपयोगिता की बात कर दें कि ब्रेल कितना प्रयोग होता नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन जानना जरूरी है प्रोफेशनल्स के लिए कि उसमें जब भारत जैसे देश, आपको ये भी पता होगा कि ब्रेल सिस्टम को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी उस समय, जो कंटेम्परेरीज स्क्रिप्ट थी उसको बोलते थे लाइन टाइप सिस्टम, और जो हमारे फादर ऑफ एजुकेशन कहे जाते हैं वैलेंटाइन हॉय, जिन्होंने 1784 में दुनिया का पहला दृष्टिबाधितार्थ विद्यालय स्थापित किया था, तो उनका कंसेप्ट ये नहीं था ब्रेल ब्रेल का कंसेप्ट था कि ब्लाइंड आदमी को इंटीग्रेटेड करो,
इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एजुकेशन में ही उनको इन्वॉल्व सेटिंग, और समस्या उनके सामने भी थी कि वही माध्यम क्या होगा, व्हाट वुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो उसके लिए उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहता, कुछ उभरे हुए कंसेप्ट उन्होंने लिए थे, कुछ बेगर्स मांग रहे थे, और कोई कार्ड था विजिटिंग, जिसमें आप आज भी देखते होंगे कई कार्ड ओड पे उभरे हुए होते हैं जनरल लेटर्स, और उनको पढ़वाया तो देखा कि इनमें टच स्पर की टच पावर तो है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लिया कि ब्लाइंड आदमियों को एम्बॉस्ड फॉर्म में लेटर्स बुक्स तैयार करके पढ़ाया लिखाया जाए। तो जब ये पहला स्कूल खुला तो एट द टाइम ऑफ दिस स्कूल स्टेबलिस्ट, बहुत से कंटेम्परेरी लाइन टाइप सिस्टम थी, और यहाँ तक अमेरिका और उसमें भी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, हम यूरोपियन वहाँ अमेरिका यूरोप यहाँ करने लगेंगे। कुल मिला के बाई द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी ब्रेल जो है लगभग वर्ल्ड के सभी भाषाओं में, सारी दुनिया में सभी जगह प्रयोग होने लगी थी। और हमारे यहाँ जब भारत में ब्रेल आई 1887 में पहला स्कूल जब खुला, आपको पता होगा शार्प मोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड की द्वारा मिशनरीज ने जो खोला, जो आज ही है। तो मतलब कहने का ये कि ब्रेल का जो है पदार्पण तभी हुआ जब पहला विद्यालय खुला। आगे चल करके भारत जैसे देश, विच इज ए कंट्री ऑफ मल्टीलिंगुअल करेक्टर, वहां पे ब्रेल को बड़ी दिक्कत आने लगी। और जो अभी तक जो समस्या कहीं किसी और देश में नहीं थी, और उन्होंने जो ओरिजिनल ब्रेल लुई ब्रेल रोहित ने समझाया है 7-लाइन सिस्टम, उसी पे आधारित अपने ब्रेल को तैयार किया था। लेकिन तो जब भारत जैसे देश जहाँ की मेनी लैंग्वेजेज एट द टाइम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस तौर बढ़ी, मान्यता मिली इनको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन 17 तो शायद तब भी थी जब पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस में भी, तो उस समय दिक्कत ये आने लगी कि भाषा वो तो अंग्रेजी तो आ गई, हाँ मिशनरीज ला दिए, लेकिन भारतीय भाषाओं में जब ब्रेल का प्रतिपादन सोचा गया या प्रयास शुरू हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि इसको क्रमशः इसी तरह से ले लिया, ए तो ठीक है, ए हो गया अ के लिए, अब बी के लिए तो फिर वो ब जो है 1-2 वो आ के लिए कैसे लोगे भाई, ध्वन्यात्मक तो अंतर होना चाहिए। उसमें ये हुआ कि सारी भाषाओं के लेटर्स हैं वो सभी एक ही तरह होने लगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो भी यही लेटर, कन्नड़ा पढ़ रहे हैं तो भी यही लेटर, ये पढ़ रहे हैं तो भी वही लेटर, तो सिक्वेंसिंग में ये प्रॉब्लम आने लगी। तो उस समय एक जब हम लोग भारतीय ब्रेल के विकास की यात्रा पे कभी चर्चा करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसकी, उस पर भी हम लोग कभी NIVS करेगा तो बात करेंगे, कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय मैं शायद ले रहा हूँ, हम मूल विषय पे आ जाना चाहिए, लेकिन प्रासंगिक है कि हमें वो समझ लें कि ओरिजिनल ब्रेल सिखाने के पीछे, सीखने के लिए तो ठीक है एक ब्रेल कंसेप्ट कैसे है, लेकिन आप ये भी सवाल उठा सकते हो कि भाई अगर आपकी अधूरी जानकारी है कि लुई रोहित जी ने तो ये बताया, और साहब यहाँ तो ए और एक डॉट नंबर 1 से हो जाता है, 3-4-5 कहाँ से आ गया है, ये तो लाइन नंबर आपके 6 में बताया था रोहित ने, 3-4-5 आ जो है वो उसी में से 3-4-5-6 में से निकला है, तो ये सवाल उठ सकता है। इसलिए मैंने समझाया कि उस फिर उसको हमें उस क्रम को भंग करना पड़ा, उस नियम का पालन नहीं करते हुए यहाँ पर ही मत मतांतर होने लगे। कई लोग कह रहे थे कि सब ओरिजिनल ब्रेल के ही आधार पे होना चाहिए, बहुत विवाद हुआ, वो सब जाके 1887 से प्रारंभ होकर ये जो है लड़ाई संघर्ष भारत में भारतीय ब्रेल के विकास यात्रा जो है जाके 1951 में पूरी हुई थी, तो बहुत उसमें उतार चढ़ाव आए थे, और उसमें अंततः गत्वा ये हुआ कि विदेशी संस्था को इन्वॉल्व करना पड़ा हमें, यूनेस्को को, यूनिसेफ को, तब तक 1945 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, जब ये विवाद यहाँ नहीं हो पाया, आपस में इतने झगड़े थे कि कह जा हमारा श्रेष्ठ है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे 10 स्क्रिप्ट थी डिफरेंट पद्धतियों पर आधारित। कहते हैं कि बम्बई में 2 स्कूल थे, दोनों के बच्चे अलग अलग ब्रेल पढ़ते थे,
एक दूसरे को अगर आपस में संवाद करना हो, पत्राचार करना हो या कुछ उनकी लिखी हुई चीज उनको पढ़ना हो, नहीं पढ़ सकते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से रेल बनाया और इसका निराकरण इस आधार पर हुआ कालांतर में कि वर्ल्ड ब्रेल के नाम से यूनेस्को ने यह कहा कि ब्रेल को ध्वन्यात्मक आधार पर रखा जाए, न कि लुई ब्रेल के जो उन्होंने सेवन लाइन सिस्टम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उससे स्थिति यह हुई कि जो हम भाषाई झगड़े थे कम से कम इंडिया में खत्म हुआ, और ऐसे बहुत से देश जहां पर मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटन, उनको भी इससे लाभ हुआ, और हमारे इंडिया में तो खैर हुआ ही हुआ। तो अब हम सारांश में शायद आप लोगों को मेरा अभिप्राय समझ में आ गया होगा समझाने का, वैसे तो इतिहास बहुत लंबा है। अब हम आते हैं मूल विषय की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, पहले तो यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ब्रेल की जरूरत तो एक आवश्यकता थी ही उस समय बिंदुओं पर आधारित, या ये कहें कि ब्रेल मतलब एक तो माध्यम है, लेकिन दृष्टिनों की शिक्षा दीक्षा के क्रम में ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं होते थे। होमर का नाम सुना होगा, सूरदास जी का नाम, बहुत लोग हैं ब्रेल उससे, लेकिन एक चेष्टा तो थी मानव होने के नाते कि दृष्टिहीन भी चाहे वो किसी और माध्यम से सुने, पढ़ें, कुछ अपने तौर तरीके निकालें। तो बहुत से ऐसे क्रूड तरीके अपनाए गए थे ब्रेल से पहले भी, जिनको अक्षरों को बना के, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि अपने ज्ञान को आबद्ध करने का एक माध्यम, उसको आप स्क्रिप्ट कह लें या कोई तरीका कर लें। तो उस क्रम में अगर जो लोगों ने बहुत पढ़ाई की हो तो दो तीन बड़े बहुत चर्चित हैं इतिहास में, एक तो रज्जू लेटर के नाम से कहते हैं, स्ट्रिंग लेटर्स, वहां तक कहते हैं कि वो तो उसमें पूरी बाइबल छप गई थी। ग्लासगो स्कूल फॉर द ग्लासगो एसाइलम फॉर द ब्लाइंड ने पूरी बाइबल बना दी थी उस रज्जू लेटर के माध्यम से। कितना कठिन रहा होगा, दुरू कार्य था। तो अब जो ब्रेल का आविष्कार हुआ, ये लुई वैलेंटाइन के उस समय व्याप्त लाइन टाइप के लाइन टाइप सिस्टम को ब्रेल शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया, उसकी एक प्रतिक्रिया थी। और प्रतिक्रिया इसलिए थी कि वास्तव में लाइन टाइप सिस्टम को पढ़ना निश्चित रूप से दुरूह कार्य था। इट वॉज ए कम्बर्सम एक्सरसाइज। आप उसमें जो रिसर्च में आया है कि एक मिनट में लाइन टाइप, मतलब आप समझ लीजिए, इट मस्ट बी क्लियर टू यू, लाइन टाइप की मैं जब बात कर रहा हूं, ऐसे अक्षर जो उभरे हुए हों, जो आजकल कई बार आप पैकिंग वगैरह हम देखते हैं, कुछ लेटर्स उभरे रहते हैं कई जगह, कार्ड वर्ड जो शादी के मैरिज कार्ड हो तो उसमें भी उभरे रहते हैं, उस तरह से किताबें तैयार होती थी। तो उसमें दो लिमिटेशन बड़ी प्रमुख थी कि एक तो ये कि वो बहुत स्लो स्पीड थी, पांच लेटर, अगर पांच वर्ड एक मिनट में पढ़ता हो तो कितनी स्लो होगी, बहुत स्लो। दूसरी बात, इसमें राइटिंग संभव नहीं था। राइटिंग संभव तो तभी तो बनता था, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल राइटिंग करना चाहें कि हम एक चिट्ठी लिख दें रोहित जी को, नहीं प्रिंसिपल साहब को या डायरेक्टर को, कोई एप्लीकेशन लिख दें, तो विच वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस समय तो टाइप राइटर वगैरह तो थे नहीं, मेरे ख्याल से रहे नहीं होंगे उस समय। ये तो बात 17वीं-18वीं शताब्दी की बात है। तो उसमें दिक्कत थी, राइटिंग वॉज नॉट पॉसिबल, रीडिंग वॉज पॉसिबल। दूसरी बात, किताबों को तैयार करने का जो तौर तरीका था वो भी बड़ा कम्बरसम, बड़ा टीडियस प्रोसेस था। उसके लिए मोटे कागजों को पहले गीला किया जाता था, फिर उनको उसके ब्लॉक्स बना करके अक्षरों को उनको दबा के रखा जाता था, जब वो उभर जाते तो उनको सुखाया जाता था। तो जैसे ब्रेल की किताबें मोटी होती तो ऐसे किताबें वो भी मोटी हो जाती थी, तो बड़ा दुरूह कार्य था। दूसरी बात, ये सच है कि ये रिसर्च से पाया गया है कि ब्रोकन लाइन्स आर इजियर टू बी रेड देन दी होल लाइन। तो जो ये लाइनर सिस्टम है उसको हमारा
जो टच है वो परसीव उतना आसानी से नहीं करता, इसलिए तो स्पीड कम है उसमें, क्योंकि वो ब्रोकन नहीं लाइन है। तो लुई ब्रेल जैसा कि रोहित ने बताया कि भाई उसी विद्यालय के स्टूडेंट थे, चार्ल्स बार्बियर आए, उन्होंने दिखाया एक सिस्टम, डॉट्स बेस्ड सिस्टम, और उस समय के प्रिंसिपल वैलेंटाइन हाया जैसे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं किए, तो इसलिए नहीं किए कि वो देखिए सच्चाई कड़वी यही है। उसको आप लोग, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्योंकि उस बात में हम पढ़ेंगे तो फिर वो कुछ और बातें निकलने लगेंगी एक दूसरे से, कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट था वो बहुत पहले से था। वो नहीं चाहते थे वैलेंटाइन हाय और इसके फाउंडर्स कि ब्लाइंड कोई ऐसी लिपि पढ़े जो अदर देन द प्रिंट, क्योंकि कंसेप्ट प्रिंट का मिलना चाहिए। और इसका मतलब नहीं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट तो था ही उस समय पहले से ही, तभी तो शुरुआत हुई थी, दर्शन उनका यही था। लेकिन जब लुई ब्रेल जब उसमें आए, और जैसा कि रोहित ने पता नहीं बताया कि याद नहीं आ रहा मुझे कि लुई ब्रेल को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, और जब चार्ल्स बार्बियर आकर डिमॉन्स्ट्रेट किए थे उस समय, तो ही वॉज हाईली इंप्रेस्ड बाई द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ही वॉन्टेड ब्रेल, रादर नॉट ब्रेल एट दैट टाइम, ए सिस्टम बेस्ड ऑन डॉट्स। उनका 12 का था, इन्होंने रिड्यूस करके 6 किया, और उसमें चोरी से धीरे धीरे बिना नॉलेज के, विदाउट नॉलेज टू द अथॉरिटीज, ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट, और अल्टीमेटली ही सक्सीडेड इन फ्रेमिंग दिस सिस्टम विच इज नोन प्रेजेंटली एज ब्रेल आफ्टर हिज नेम। तो कहने का तात्पर्य यह है, उसके बाद वो बेचारे मर गए 1852 में उनकी डेथ हो गई। जब तब तक उन बेचारे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। बाद में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ब्लाइंड के लिए काम करना है तो ब्लाइंड लोग ही पॉइंटर थे उस समय, और अल्टीमेटली एक बैटल बिटवीन डॉट्स एंड लाइन टाइप सिस्टम परसिस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ सेंचुरी। ब्रेल को रिकॉग्निशन लेने में बहुत टाइम लगा, और दी कंटेम्परेरी सोसाइटी ऑफ सीन प्रोटेस्टेड एंड द ब्रेल हैड टू, नॉट ब्रेल एज सच, द डॉट सिस्टम हैड टू स्ट्राइव हार्ड टू एस्टेब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर द लाइन टाइप सिस्टम। और उसके लिए एडवोकेसी जो की गई बाय द पायनियर्स ऑफ द देन पीरियड, एक आपका नाम मैं बता दूं, आर्मिटेज थे, डॉक्टर आर्मिटेज, जिन्होंने 1868 में RNIB रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आज भी है, उसका स्वरूप बदल गया हो। उन्होंने एडवोकेसी की जगह जगह हर कंट्री में कि ब्रेल को रिकॉग्नाइज किया जाए इंस्टेड ऑफ अदर सिस्टम लाइक लाइन टाइप सिस्टम और इवन अदरवाइज। तो ब्लाइंड लोगों ने पायनियर किया, और अल्टीमेटली ये हुआ, अमेरिका में भी बात आई, यूरोप और अमेरिका में अल्टीमेटली ब्रेल डॉट सिस्टम जो है वो सक्सीड हुआ। और लेकिन यह कि लुई ब्रेल को अपने इस अचीवमेंट की खुशी नहीं मिल पाई थी लास्ट। लेकिन यह डिस्प्यूट इंडिया में नहीं आया, इंडिया का डिस्प्यूट दूसरे तरह का था, बैटल बिटवीन डॉट्स एंड लाइन टाइप सिस्टम नेवर केम इन इंडिया, और यहाँ की प्रॉब्लम दूसरी थी, लेकिन अदर कंट्रीज में हुई। अमेरिका में भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम आई, अमेरिका में कन्फ्लिक्ट विद इन ब्रेल आ गई, वो तो अलग तरह की, उनमें ओरिजिनल ब्रेल, और फिर उन्होंने अमेरिकन बड़े रिसर्च करते हैं, ऐसे नहीं किसी बात को मान लेते, तो वहां 3 ब्रेल आ गई थी, वहां भी लास्टली जाके समस्या हल हुई। तो अब हम लोग आए कि इसकी उपयोगिता, ब्रेल की थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ उसका जो बैकग्राउंड, ये जानना जरूरी है
खास तौर से अगर आप एडल्ट हैं तो जाने, नहीं तो प्रोफेशनल्स के लिए जानना जरूरी है। और मैं जानता हूं कि हो सकता है कि इसमें बहुत से प्रोफेशनल्स भी जुड़े हों, मुझे पता नहीं। तो मित्रों, अब हम बात ये करते हैं कि प्रिंट से ब्रेल किस तरह से अलग है। देखिए, इस बात को समझना जरूरी यह है कि ब्रेल में उपयोगिता का हम जब बात करते हैं, एक हम हाइपोथेसिस मान लें, तभी तो बात आप रखे हो। यूसेज, यूसेज का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस्तेमाल, प्रयोग। ये विषय कभी 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले तक तो विचार विमर्श के लिए नहीं रखा जाता था कि हम कहीं इसको सेमिनार या मीटिंग का विषय बनाएं चर्चा के लिए। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट है, देयर इज सम काइंड ऑफ इमिनेंट थ्रेट टू द यूसेज ऑफ ब्रेल। इट हैज नाउ इज कमिंग इन क्वेश्चन, है तभी तो चर्चा करने की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए, ब्रेल सिस्टम में वही बात है कि मनुष्य को जब कोई पहले तो भाप की ट्रेन मिली तो उसी को धन्यवाद समझ रहा था कि चलो स्टीम इंजन आ गया जी, अब तो बड़ा। उसके बाद कोयला वो आ गया जी, बिजली, डीजल, अब बिजली आ गई, हवाई जहाज। तो मतलब कहने का ये है, साइकिल आई होगी तो भी बड़ा एक सवारी का साधन माना गया होगा। तो ब्रेल प्रासंगिक उस समय थी जब इसका इन्वेंशन हुआ, कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और बहुत बड़ी चीज थी। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कम से कम आईटी क्षेत्र में, निश्चित रूप से ब्रेल के लिए इट हैज पोस्ट वेरी सीरियस पेरिल टू इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन इसके एडवांटेज में मैं उसमें बात करूंगा। इसके जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं ब्रेल की, वो चार पांच तो हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो खास तौर से वो जानते होंगे कि भाई इसमें एक तो कि स्लो स्पीड होती है, स्लो स्पीड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये रिसर्च से पाया गया है, नोलन एंड कैडरिस ने 1969 में रिसर्च करके देखा है कि जो ब्रेल की रीडिंग स्पीड है वो लगभग 1/3 ऑफ प्रिंट रीडिंग रेट। तो बहुत पुअर है, बहुत कम है भाई। आज का जो हमारा रीडर है बहुत अच्छा ब्रेल पढ़ने वाला, तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड पर मिनट पढ़ सकता है। उसमें डिपेंड करता बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंट्रेक्शन है कि नहीं है, बहुत सारे। लेकिन ये रिसर्च एस्टेब्लिश्ड है कि ब्रेल इज ऑफ कोर्स स्लो, राइटिंग भी स्लो। तीसरी चीज जो इसमें है कि ये बड़ा बल्की होता है, इसके स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है, ये सब तो इसकी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है। दीज आर दी इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ ब्रेल, जो जब बनी तब भी थी, आज भी है। लेकिन ड्यू टू द एडवेंट ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स इन द आईटी सेक्टर, निश्चित रूप से ब्रेल बहुत एक चैलेंज से गुजर रहा है। भाई बेसिकली क्या चाहिए हमको? सूचना को हमें कम्युनिकेट होना चाहिए। दो ही माध्यम हमारे पास है, पहला माध्यम टच, दूसरा माध्यम श्रवण। तो श्रवण और स्पर्श दो ही माध्यम हमारे, आज स्पर्श ही तो बाध्य कर दिया ब्लाइंड लोगों को, कोरोना ने कहीं आने जाने से भी रोक दिया है। तो स्पर्श हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ये बात सही है कि स्पर्श जो है उसकी एक सीमा तो है। क्या सीमा है? हमने अभी प्रिंट की बात की थी कि प्रिंट और ब्रेल में समझ लें हम इस बात को कि प्रिंट को पढ़ने के लिए हमें एक जो परसेप्चुअल विंडो होता है वो कोई लिमिट नहीं है। एक करेक्टर भी हो सकता है, एक वर्ड भी है, एक सेंटेंस भी है। मतलब एट ए ग्लांस यू कैन विजुअलाइज द होल पेज ऑफ द प्रिंट। व्हाइल कंट्रेरी टू दिस, ब्रेल में आप एट ए टाइम, ये अगर एक यूनिट आपकी होगी परसेप्चुअल यूनिट,
तो क्या होगी, एक करेक्टर एट ए टाइम, ये लिमिटेशन है भाई। हमारे सेंसरी जो टच सेंसरी है उसकी लिमिटेशन है, जो विजुअल सेंसरी है, ये बात को समझ लें। ये भी आप कह सकते हैं कि इनहेरेंट थी, तो लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था हमें, क्योंकि कुछ नहीं था, देर वॉज नथिंग एक्सेप्ट द ब्रेल डॉट्स डॉट बेस्ड स्क्रिप्ट, तो उसमें उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन आज विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उसकी वजह से थ्रेट तो मिल रही है। तो भैया क्या करें, तो ब्रेल छोड़ दें क्या, ऐसी स्टेज आ गई है कि ब्रेल कैन बी ओवरलुक्ड, अब इसकी जरूरत नहीं है, इट हैज बिकम रिडंडेंट अनवांटेड। नो, ब्रेल की अपनी ऐसी विशेषता है कि वी विल हैव टू, वी विल बी बाउंड टू रिटेन इट। क्यों? क्योंकि ब्रेल एक स्क्रिप्ट है और इसमें इट हैज ऑल दोज लिंग्विस्टिक क्वालिटीज विच वी कैन कैटर बाय यूजिंग इट। और कोई तरीका नहीं। श्रवण की बात पे मैं अभी आऊंगा, हालांकि पता नहीं टाइम क्या हो रहा, कोई टाइम बताया जरा। ओके, तो हमें आप रोक दीजिएगा भाई, ठीक है, पता नहीं वन वे गाड़ी चल रही है। तो उसमें मैं ये कह रहा था कि उसमें ब्रेल को हमें जिंदा रखना होगा, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ब्रेल को जो यूज करने वाले लोग हैं वो कौन कौन लोग, कौन कौन लोग यूजर हैं, तभी तो हम यूसेज की बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो यूजर्स ग्रुप कौन कौन से, तो एक यूजर्स तो ये है ग्रुप ऑफ यूजर्स ब्लाइंड पर्सन, जो ब्लाइंड है जो अपने लिए ब्रेल सीखता है। दूसरा ग्रुप वो है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्कर्स फॉर द डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, और उसमें विच कैन इंक्लूड जो ब्रेल प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए हैं लोग, या जो ब्रेल इक्विपमेंट्स स्पेशल इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनको भी ब्रेल आनी चाहिए, तभी वो यूज करते हैं, पुलिंग कार्ड है और स्लेट वगैरह है, तो ब्रेल दे आल्सो यूज। तो मेनली ये तीन ग्रुप है। और जो पहला ग्रुप मैंने बताया कि इंडिविजुअल यूजर, वो ब्लाइंड का होता है और उसका जो मोटिवेशन है सीखने का वो दूसरे तरह का होता है। क्या कि लाइक ए साइटेड चाइल्ड, वो ब्रेल सीखता है तो अपने डे टू डे अपने काम काज के लिए सीखता है, अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे साइटेड लोग प्रिंट सीखते हैं उसी तरह से ब्रेल सीखता है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा और तीसरा ग्रुप मैंने बताया, स्पेशल टीचर्स और रिहैबिलिटेशन वर्कर्स और ब्रेल प्रोडक्शन के लोग हैं, वो लोग ब्रेल सीखते हैं एक पर्पस विशेष के लिए, एक उद्देश्य विशेष के लिए, एक प्रोफेशनल डिमांड के नाते देगा। उनका जो मोटिवेशन होता है वो मैं कह सकता हूं कि फॉर द टाइम बीइंग होता है, दे हैव टू स्कोर द मार्क्स टू प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जाम्स, और इफ दे कंटिन्यू देयर जॉब, इफ दे डोंट कंटिन्यू देयर जॉब दे मे फॉरगेट ऑल्सो, दे मे लूज द प्रोफिशिएंसी विच दे एक्वायर ड्यूरिंग द examination, sorry, training period or learning period. It happens, sometimes happens. उसमें cited भी हो सकता है। तो ये हमारे सामने target। अब हम लोग बात ये करें कि जो usage की बात कर रहे हैं वो किस group के लिए बात कर रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि usage by दूसरा group और तीसरा group है users का, उसका तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेशल टीचर्स वो जो पढ़ाई के लिए मटेरियल तैयार करता है या करेगा वो तो करेगा। ब्रेल प्रोडक्शन में जो पीपल एंगेज्ड इन ब्रेल प्रोडक्शन सर्टेनली विल बी डूइंग देयर जॉब ऑफ ब्रेल प्रोडक्शन एंड दे विल बी यूजिंग ब्रेल, फिर चिंता कहाँ है।
भाई चिंता कहाँ है हमारी, वेयर डज आवर कंसर्न लाई। ये चिंता हमारी हमारे जैसे ब्लाइंड ग्रुप के लिए है, उनकी हम चिंता कर रहे हैं और उन्हीं की चिंता के लिए हम लोग सारा हमारा जो इंटायर प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज गियर्ड अप उधर ही जा रहे हैं, उधर ही सब बढ़ रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि इस ग्रुप में अगर यही तो समस्या है कि दूर बैठने से पता नहीं चलता, सशरीर होते तो पता चलता कि कौन लोग हैं नहीं है, किस ग्रुप के लोग सुन रहे हैं। तो इसमें हम जब एडल्ट की बात करेंगे और ब्लाइंड की बात करेंगे तो उसको सीखने और सिखाने की अप्रोच थोड़ी सी अलग अलग होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि ब्लाइंड बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होता। यू हैव टू टीच लैंग्वेज ऑल्सो अलॉन्ग विद ब्रेल, और ब्रेल एज सच इज नॉट, कोई दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है कि आप उसको वैसे लगा दोगे पिला दोगे। ब्रेल विल रिक्वायर ए लैंग्वेज इन विच यू कैन ट्रांसमिट इट टू द टारगेट ग्रुप। तो वहां पे थोड़ी अप्रोच हमारी अलग होती है। तो हम अपने चर्चा को शायद एडल्ट के ही कंटेक्स्ट में रखें, क्योंकि मैं टीसीवी में रहा हूं तो हमारी समस्या भी वही है। लक्ष्मी जी ने इसको कराया भी शायद इसीलिए है कि भाई ये टीसीवी पर हम लोग ज्यादा फोकस करें। तो उसमें हम लोग चर्चा कभी और कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी बृहद विषय है बिगनर्स के लिए और बच्चों के लिए ब्रेल सीखने सिखाने का। तो हमारे यहाँ जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बात करूंगा यहाँ और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये कहीं पढ़ने पढ़ाने को सा नहीं है, अनुभव की बात है कि जो हमारे यहाँ एडल्ट ग्रुप आता है उसमें दो बातें कि एक ग्रुप तो ऐसा आता है जो गांव बैकग्राउंड से आता है, उसको एजुकेशन तो हुई नहीं थी, तो लैंग्वेज की बात तो छोड़ो, वो कोलोकियल भाषा ही बोलता है, ये गली वाली बात, तो उसको तो पहले तो हिंदी बोलना पढ़ना सीखना होता है, फिर वो ब्रेल की बात आती है। तो एक तो हो गए। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जो एडवेंटिशियस ब्लाइंड होता है और उनको प्रिंट का कंसेप्ट होता है, जैसे कि एक्सीडेंटल ब्लाइंडनेस आप कह सकते हैं, या किसी वजह से आर्मी वाले आ जाते हैं जिनको गोली लग जाती है, या आतंकवाद कई घटनाओं से ग्रसित हो जाती है। तो जो हमने पहला ग्रुप बताया, एक ग्रुप ऑफ इलिटरेट ब्लाइंड एडल्ट ब्लाइंड, और दूसरा ग्रुप एक ग्रुप ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर साइट एडवेंटिशियसली बट दे आर एजुकेटेड इन प्रिंट। तो उसमें क्या दिक्कत है? अब दोनों की अप्रोच में हमें दिक्कत होती है, उनके लिए अलग डिफरेंट अप्रोच होगी। अगर मैं जोड़ दूं इसमें एक और भी, जो हमारे साथी कलीग्स यहाँ बैठे हैं, टीचिंग किया होगा, जो पार्शली साइटेड या लो विजन होते हैं उनको भी ब्रेल सिखाना एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है, उनको मोटिवेट करना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें हम लोग बात कभी करेंगे जब मेथड्स ऑफ टीचिंग या जो भी होगा। तो अब जो लोग हम यहाँ पे केवल टीसी तक रखें अपने को, तो जो इलिटरेट ब्लाइंड है उसको भाषा के साथ साथ आप ब्रेल सिखा सकते हैं, उनको ब्रेल सिखाना आसान होगा। लेकिन वहीं पर जब हम एडवेंटिशियस ब्लाइंड को, एजुकेटेड ब्लाइंड को, एजुकेटर्स मेरा मतलब पढ़ा लिखा, ब्रेल लिटरेट नहीं कह रहा हूं भाई, मैं ध्यान देना, एजुकेटेड ब्लाइंड जैसे हमारे कंप्यूटर में आता है, अन्य उसमें आता है, उसको ब्रेल सिखाना कठिन है। वो इसलिए कि उसके दिमाग में प्रिंट का एक कंसेप्ट, ही हैज एक्वायर्ड द स्किल ऑफ प्रिंट रीडिंग एंड राइटिंग। एक मकान है, एक कमरा है, उस कमरे में सामान भरा है, उस कमरे को साफ सुफ करके आपको उसमें फिर से एकोमोडेट करना किसी व्यक्ति को, तो उसमें बड़ा दिक्कत होती, वाइट का वास कराओ, नीचे ऊपर सफाई कराओ। उसी तरह से उनका ब्रेन भी ऑलरेडी रिप्लीट विद प्रिंट लेटर्स, उसको आप कैसे स्विच ओवर करोगे
पर इसकी सफाई हो, उसको समझाओ, हटाओ, उसको रिमूव करो, तब आप ब्रेल सिखाओगे। तो एक तो पहले तो ब्रेल को बड़ा इंफीरियर मानता है, उसके माइंड में एक बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या मैं तो प्रिंट जानता हूँ यार, ये क्या बिंदु बिंदु बिंदु। तो एक नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ब्रेल उनके सामने होती है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको सीखने में दिक्कत होती है, वो एक का कंसेप्ट उसके दिमाग में दूसरा है, हम कहेंगे देखो भाई ए डॉट वन ये जो है ब्रेल, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। रोहित जैसे लोगों को बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब होगा ये आने वाले दिनों में, दिनों में क्या फेस कर रहे होंगे करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जो ब्रेल हम एडल्ट को सिखाएं। हेलो, आवाज आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है यार, तो म्यूट कर दिया सर, उसे म्यूट कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि आप बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, प्लीज मिस्टर विजय प्रताप प्रजापति जी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो उसमें रोहित जी को बड़ा ध्यान देना होगा जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, उनको जब हम मेथड सिखाने की बात करते हैं, और जो लिटरेट इलिटरेट ब्लाइंड जो आया हमारे रूरल बैकग्राउंड से, उसको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो प्रिंट जानता ही है, उसको भाषा के साथ ब्रेल सिखा सकते हैं। अब उसको कौन सी भाषा होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो उसके एप्टीट्यूड पर, उसके कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करता है। तो ये हुई तीसरी बात जो हमने कही थी कि लो विजन अगर आदमी है, वो हम लोग कभी बच्चों के संदर्भ में बात करेंगे, वो बड़ा मोटिवेट करना कठिन होता है उनको क्योंकि कंसेंट्रेट नहीं करते। और इसमें जो बात मैं कह रहा हूं ये केवल इतनी सी बात नहीं है, ब्रेल सीखने में कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइटेड सॉरी एडल्ट ऑफ ब्लाइंड के इसमें। देखिए जो बच्चा होता है, हम लोग ये तो आपको एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अंगुली से पढ़ते हैं, फिंगर टिप से पढ़ते हैं, इस पे हम लोग बहुत कन्विंस्ड हैं इस बात से। तो उसके जो स्किन है हमारी बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों की, और एडल्ट के थोड़ा सा रफ टफ हो जाती है क्योंकि 20-22 साल 23 साल वो जॉब के ऊपर भी, कैसा जॉब करता था, वहां भी एक दिक्कत आती है अक्षरों को, उसकी जो सेंसिटिविटी है टच सेंसिटिविटी समटाइम्स बिकम्स पुअर, जो ग्राह्य नहीं होती। तो उसकी ग्राह्यता को बढ़ाने के लिए आप कुछ कुछ तरीके अपना सकते हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल बना के या कुछ ब्रेल फॉर्मेट बना के या ड्रिल करके, ताकि उसकी पढ़ाने से पहले इस पर कुछ उसमें सेंसिटिविटी डेवलप हो। कितनी सेंसिटिविटी डेवलप हो कि वो ब्रेल के डॉट्स को पहचान सके, उसमें कुछ उसको समझने लग जाए, तो भी एक बहुत जॉब है जो हमारे ब्रेल टीचर हैं, ब्रेल इंस्ट्रक्टर, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये उसमें है। अब प्रश्न जो असली है, ज्वलंत है, इसी सब बातों से जुड़ा हुआ है, उपयोगिता की बात। उपयोगिता तभी ना होगी भाई जब कोई चीज निरापद हो, सुविधाजनक हो। जो उद्देश्य क्या है ब्रेल का, ज्ञानार्जन, सूचना सूचनार्जन, सूचना प्राप्त हो, तेज हो और सुगम हो, सरल हो, यही है ना भाई। लेकिन आज के संदर्भ में निश्चित रूप से बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत द्रुत गति से हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और ब्रेल को लोग धीरे धीरे कम प्रयोग कर रहे हैं, ये देखने में ऐसा आ रहा है। लेकिन क्या हमारा गुजारा या हमारे ब्लाइंड भाइयों का गुजारा होगा? आज स्थिति यह है कि मैं तो अपने अनुभव के आधार पर बात करता हूँ, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हमारे डिफरेंट कोर्सेज में TCEB में आते थे और उनको स्पेलिंग बड़ी पुअर, स्कूल तक की स्पेलिंग नहीं जानते थे, ब्रेल बड़ी पुअर होती थी। दूसरी बात यह है कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल आ गया है, मोबाइल में चीजें आजकल तमाम बड़े बड़े टेक्स्ट मैसेज और तमाम टेक्स्ट बुक्स ऑडियो फॉर्म में मिलती हैं,
और यहाँ तक मैंने देखा ब्लाइंड लोग संस्कृत भी उसमें पढ़ती है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाषा कैसे पढ़ लेती है, जबकि संस्कृत जैसा विषय दो दो पंक्तियों का, दो दो पंक्तियों का तो एक एक वर्ड होता है, उसमें संधि तोड़नी पड़ती। तो बहुत दुर्भाग्य स्थिति है कि हम ब्रेल के उपयोग का ह्रास हो रहा है निरंतर, ये माना जा रहा है, ले जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे दृष्टिहीन समाज के लिए तो होगा ही, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो खाना परोस रहे हैं, जो खाने वाला है उसको दिक्कत होगी भाई, पचेगा कि नहीं पचेगा, क्या होगा, आगे पेट खराब होगा नहीं होगा पास्ता खाने से। तो ये हमें सोचना होगा, क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम इसी तरह से छोड़ देंगे उनके भाग्य भरोसे, लैंग्वेज की इतनी पुअर स्थिति होगी, जो आज मैं चूंकि ब्लाइंड हूं इसलिए थोड़ा इमोशनली भी बात कर रहा हूं, इसको आप लोग अन्यथा न लीजिएगा हमारे साइटेड बंधु, क्योंकि हम थोड़े, आप लोग तो ठीक है प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी चिंताएं दूसरी भी, ब्लाइंड आदमी योग्य ही नहीं होगा, स्पेलिंग नहीं आएगी तो उसको कैसे काम करेगा, कैसे टीचर बनेगा, कैसे काम होगा, केवल वक्ता से या वक्तृत्व से थोड़े जो काम चलने वाला है। तो आपको ब्रेल सीखना चाहिए, लेकिन एक बात और बता दूं मैं, बुरा लग सकता है हमारे कई लोग साथियों को, प्रोफेशनल्स को, कि इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे का या उस टारगेट ग्रुप का दोष नहीं भाई, इसमें कहीं ना कहीं देर आर मेनी अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ ब्रेल, inadequacy of man, inadequacy, unpreparedness of the teachers, professionals, lack of material in time, और कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके अपनाना, कई सारी चीजें, और जो ब्रेल की मैंने आपको इनहेरेंट प्रॉब्लम बताई थी वो भी है, उसको आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि उसमें विकल्प नहीं था, इसलिए वही जो मिल जाए वही बहुत बड़े नमक रोटी मिल रहा था वही बहुत थी, अब तो बहुत कुछ उपलब्ध है, बहुत मेन्यू है, तो लोग कहते हैं भाई कि अब हम ब्रेल के ऊपर क्यों चाहें, लेकिन हमें ब्रेल यूजर्स के लिए अपनी पीढ़ी को ये समझाना होगा कि डिस्पाइट ऑल दिस लिमिटेशंस आपको ब्रेल की दक्षता प्राप्त करनी होगी अगर वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो, कॉमा फुल स्टॉप सिंटेक्स और बहुत सारे, आपको मैं छोटा सा, इसमें मुझे शर्म की बात नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक वर्ड होता है यूट्यूब, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस नहीं हूं, यूट्यूब एक वर्ड जो आजकल बहुत यूज कर रहे हैं आप, तो मैं यूट्यूब आप जैसे ब्लाइंड लोग, जैसे ब्लाइंड लोगों की बात कर रहा हूं, सुनता रहता था, तो मैं सोचता था कि यू मीन्स जो यू लेटर है वो है 136 साइटेड ब्लाइंड लोगों के लिए, जबकि बता रहा हूँ उसी प्यार, लेकिन मैं जब ब्रेल प्रेस में था तो ब्रेल क्रॉनिकल में कोई एक आर्टिकल छपा, तब उसमें मैंने पढ़ा तो देखा कि उसमें वाई ओ यू देन ट्यू, अब तक क्या था कि मुझे ब्रेल में कभी वो दिखाई नहीं, सुनता रहा यूट्यूब, और मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह में बड़ा पुअर हूं मैं, अभी बताइए ये केवल पढ़ने से संभव हुआ, सुनने से नहीं हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा यूज करने लगा, तो आजकल मैं जब व्हाट्सएप वगैरह देखता हूँ या मेल वगैरह आती हैं, उसमें प्लीज शॉर्टकट सुनो PLZ प्लीज, यार अब आ गया, ऐसे चीजें आएंगी तो आप क्या करोगे ये समझ में नहीं आता, आप तो वही मानोगे सुन करके प्लीज बोल रहा, अब मैं भी यही समझता था PLEASE लिख रहा, लेकिन वास्तव में जब मैंने उसको ब्रेल में, हमारे पास वो भी है नोट टेकर, तो उससे जब कनेक्ट करके देखा तो PLZ ही कर रहा था, वो तो हम कंटेक्स्ट समझ गए, तो बोलता तो प्लीज है यार, लेकिन लिखा तो प्लीज PLZ है, तो इसलिए ये बड़ा कहते हैं कि खतरनाक खेल है ये, आप मित्रों जो लोग ब्लाइंड लोगों के शुभचिंतक हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आप जहां पढ़ाते हैं उनको, उनको ब्रेल के प्रति प्रेरित भी करें, ब्रेल की उपयोगिता भी बताएं, उपादेयता भी बताएं, कमियां भी बताइए, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेल के प्रति उनकी रुचि जरूर पैदा करें,
ये अब आपसे विनम्र निवेदन है। मैं शायद अब हमारा जितना मैंने सोचा था उसके बाद बहुत बात हो सकती है, अगर कुछ क्वेश्चन लोगों के हो तो सवाल दिए जवाब दिए, क्योंकि वन वे ट्रैफिक में आदित नहीं आ रही। थैंक यू सर। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को और जो प्रोफेशनल दृष्टिबाधिता के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए और हमें भी उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए अगले स्पीकर हैं श्री कमलवीर सिंह जग्गी, जो वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च को एक कोऑर्डिनेटर के रूप में हेड कर रहे हैं। इससे पहले आपने आदर्श विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर 2008 में अपना कार्यभार संभाला। अगर मैं इनका संक्षिप्त परिचय दूं तो दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में इनको 18 साल का अनुभव है और इससे पूर्व 16 साल आपने रेगुलर स्कूल में विद्यार्थियों को एक शिक्षक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी एक बहुत ही सिंसियर डेडिकेटेड और एंथुसियास्टिक ऑफिसर्स हैं निपुण देहरादून के, और आपने 2009 में सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड भी ग्रहण किया है सरकार से, और इसके पश्चात आपको ओकियो अवार्ड जापानीज अवार्ड है उससे भी नवाजा गया है। तो मैं श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया स्पीकर के रूप में वेबिनार को आगे बढ़ाए। धन्यवाद लक्ष्मी जी। वीरेंद्र सिंह जी का वक्तव्य हम सब ने सुना और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों ग्रुप्स के लिए, एक लर्नेड व्यक्ति के लिए भी और एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो ब्रेल से परिचित होना चाहता है, दोनों के लिए उपयोगी था। तो मैं प्रयास करूंगा जो जो बातें रोहित जी और वीरेंद्र सिंह जी कर चुके हैं उनको दोबारा रिपीट ना करूं। तो मैं ज्यादातर अपनी बात सीमित रखूंगा ब्रेल आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ में ब्रेल से मेरा मतलब है ये जो कोरोना पीरियड हम लोग फेस कर रहे हैं, इससे मैं जोड़ने का प्रयास इसे करूंगा और इसकी उपयोगिता आज के समय में बढ़ रही है या घट रही है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग नरेशन के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा, एग्जाम्पल के साथ। अभी कल परसों मुझे पता चला कि लॉकडाउन पीरियड में पहले तो बहुत लंबे समय तक दुकानें बंद रही और जैसे ही दुकानें खुली तो ग्राहक, ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हुए, लेकिन फिर भी जिनकी जिन जो आवश्यकताएं थी उनको लेकर लोग आना जाना दुकानों पर लोगों ने शुरू किया। और दुकानदारों का प्रयास था कि वो किसी भी तरह से ये ध्यान रखें कि कोई कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति उनकी दुकान में ना आए, और अगर आ भी जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब वो जाए तो सब कुछ सैनिटाइज किया जाए। उस संदर्भ में मुझे ऐसा पता चला कल परसों कि अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं और कपड़ा लेना चाहते हैं तो आमतौर पे हमारी महिला खरीदार जो होती हैं वो कपड़ों के कई थान खुलवाती हैं और कई चीजें और उसमें देखना चाहती हैं वो लोग तो। लेकिन कपड़े वाले आजकल कपड़े को छूने नहीं दे रहे। उसका कारण है कि अगर कपड़े को सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइजर उस पर डाला जाता है तो वो कपड़ा अपनी चमक थोड़ी खोने का डर रहेगा, इस वजह से वो छूने नहीं दे रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे कपड़ा खरीदना इन दिनों पड़ गया और अगर मैं उसे छू नहीं पाऊंगा तो एक बहुत समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि उसका जो टेक्स्चर है, उसका जो टच है, सॉफ्टनेस है या कोर्सनेस है, वो मुझे कैसे पता चलेगी। और ये आमतौर पर मैंने देखा है कि बाकी लोग जो साइटेड लोग हैं वो भी छूना चाहते हैं। तो शॉपिंग के संदर्भ में मैंने ये बात शुरू इसलिए की कि वहां छूना निषिद्ध हो गया। हमारी जो ब्रेल है वो छूकर ही पढ़ी लिखी जा सकती है। तो ब्रेल आज के संदर्भ में ब्रेल की क्या स्थिति है? अभी वीरेंद्र सिंह जी ने एक एग्जांपल जो दिया यूट्यूब वाला, मुझे भी ब्रेल क्रॉनिकल से ही और एक और मैगजीन में पढ़ता हूँ इंग्लिश की, उससे ही पता चला
इसी तरह से व्हाट्सएप वगैरह कैसे लिखा जाता है, ये सब भी उसी से जानकारी होती है। ये बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपनी उंगली से किसी चीज को छू नहीं लेते उसका सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो शॉपिंग के बाद मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि इन दिनों जब हम ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में भी सब कुछ सैनिटाइज किया जाता है। मेरे टेबल पे अक्सर बहुत सारी ब्रेल की बुक्स रखी रहती है, तो एक दिन मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी ब्रेल की बुक का एक पेज जो खुला हुआ था वो छूने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैंने पता किया कि क्या हुआ भाई, इस पे क्या गिर गया असल में। तो मुझे पता चला कि इस पे सैनिटाइजर छिड़का गया है। तो यही एक चिंता का विषय मेरे लिए बन गया कि अगर ऐसे मेरी बुक सैनिटाइज की जाती रहेंगी तो भाई मेरी बुक पढ़ने लायक शायद बचेंगी नहीं, क्योंकि वो जो सैनिटाइजर का जो थोड़ा क्रिस्पनेस है वो क्रिस्पनेस कहीं ना कहीं छिड़के हुए मटेरियल पे रह जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल देकर मैं आज के संदर्भ में आपको जानकारियां दे रहा हूं। और शुरू शुरू में हमने एनआईवीएच में भी चर्चा की कि ब्रेल क्योंकि स्पर्शीय लिपि है, स्क्रिप्ट है, तो आजकल क्या किया जाए स्टूडेंट्स को, जो हमारे इतने सारे रीडर्स हैं ब्रेल प्रेस के मैगजीन्स के, उनको मैगजीन भेजी जाए या नहीं। तो कुछ समय तो हमें रोकना इसलिए पड़ा कि लॉकडाउन पीरियड था जिसमें पोस्ट ऑफिस और बाकी सब वाहन वगैरह सब बंद थे, लेकिन जैसे ये वाहन और पोस्ट ऑफिस वगैरह खुले तो हमने सर्विस रिज्यूम करना उचित समझा, क्योंकि यही तो पीरियड है जब ब्रेल की अहमियत ब्रेल यूजर्स, खासतौर से जो आज हमारे एडल्ट यूजर्स ब्रेल इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, आज के दिनों में तो इसकी अहमियत और ज्यादा जान पाएंगे, क्योंकि एक एकाकी समय है जिसको घरों में रह के बिताना पड़ रहा था बहुत लंबे समय तक, और अभी भी कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से कुछ दृष्टिहीन लोग घर पे रुकते हैं। तो आज के संदर्भ में ही ब्रेल की उपयोगिता उनके लिए ज्यादा है। मैं खुद भी कोरोना पीरियड के बीच में ऑफिस में एक दिन परमिशन लेके आया और अपनी कुछ ब्रेल बुक्स घर उठा के लेके गया। तो ये सारी चीजें संकेत देती हैं कि ब्रेल को आप इंडिविजुअली कितना महत्व देते हो। आप अगर महत्व देते हो तो ये स्क्रिप्ट आज भी उतनी रेलेवेंट है जितनी आज से 25-30 साल पहले थी। आप अगर इसे रेलेवेंस नहीं देते हो, आपके लिए यूजफुल आपको नहीं लगती है, तो ये आपके लिए इररेलेवेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन आपके ऐसा मान लेने से असल में इररेलेवेंट होती नहीं है। आप ये डिपेंड करता है कि आज के संदर्भ में आप टेक्नोसेवी हैं या एविड रीडर हैं। टेक्नोसेवी जो पूरी तरह से निर्भर करना चाहेगा कंप्यूटर पे और मोबाइल पे और बहुत सारी टॉकिंग एप्स पे, बहुत सारी ऐसी एप्स पे जो उन्हें टेक्नोलॉजिकली इक्विप करती है। एविड रीडर जो है वो ऐसा नहीं करना चाहेगा, वो अभी भी ब्रेल बुक्स ही ढूंढेगा, या अगर उसके पास बहुत पुरानी कुछ रखी होंगी तो उन्हें ही ढूंढेगा। ये कम्युनिकेशन गैप का समय जरूर है, जब आप लोग सब लोग जो हमें सुन पा रहे हैं इस समय वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और अपनी डिमांड्स वगैरह भी बहुत रिड्यूस आप लोगों ने की हैं शायद इन दिनों। तो जैसे ही चीजें रेगुलराइज होती हैं, ब्रेल का इस्तेमाल और ब्रेल का जो आपके लिए उपयोगिता है वो जो कि त्यो विद्यमान है। एविड रीडर बनिए, ब्रेल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। जिन्होंने सीखा नहीं है, रोहित जी का 7-लाइन सिस्टम एक इंट्रोडक्टरी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेल स्पर्श की चीज है, उसे स्पर्श लिपि है और उसे स्पर्श से ही सीखना होगा। जब भी आपको मौका मिले, एडल्ट ब्लाइंड है आप, तो अवश्य सीखने का प्रयास करें। इंस्टीट्यूट से अगर कोई मदद इस मामले में संदर्भ में हो सकेगी तो हम भी करना चाहेंगे। एविड रीडर तभी आप बन सकते हैं जब एक बार आप सीख लें और ये सोचें साथ में कि मुझे विकल्प के रूप में इसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि इनेविटेबिलिटी अवश्यंभावी लिपि के रूप में स्वीकार करना है। एविड रीडर, एक बार आप ब्रेल पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो फिर उसके बाद देर इज नो लुकिंग बैक। मुझे अभी भी अपने बारे में बहुत एग्जाम्पल्स में बीच बीच में आपको दे रहा हूं, वो इसलिए कि ये एग्जाम्पल शायद आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं कभी भी रोड से ट्रैवल करना नहीं चाहता, ना कार में ना बस में। उसका कारण है, कारण यह है कि
मेरे हाथ में एक ब्रेल बुक होती है, बस में और कार में मुझे उतना स्पेस नहीं मिल पाता जिससे मेरा हैंड मूवमेंट हो पाए, जबकि ट्रेन में जन शताब्दी में या शताब्दी में ट्रेवल करते करते एक पूरी ब्रेल क्रॉनिकल या एक मैगजीन में फिनिश कर देता हूँ, और उसमें यह लगता है कि जैसे सच में बहुत अच्छा समय का सदुपयोग कर पाए। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर आप ब्रेल पढ़ रहे होते हैं बैठ के तो लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप हेडफोन लगा के बैठे चाहे जितनी भी उपयोगी जानकारी क्यों ना सुन रहे हो, चाहे आप कोई पुस्तक ही क्यों ना सुन रहे हो, देखने वाला यही कहता है जी वो बैठे हैं बस आराम से, मतलब वो एक पढ़ने वाली कैटेगरी में आ नहीं पाता किसी तरह से। उपयोगिता उनकी और लोगों के लिए शायद उतनी अहमियत उसकी नहीं जान समझ पाते जितनी वो ब्रेल से पढ़ने के माध्यम से समझ पाते। आजकल सैनिटाइजेशन का युग है, समय है, करेंसी नोट सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्पर्श के माध्यम से ही ये सारी चीजें क्योंकि हम समझ पाते हैं और स्पर्श के माध्यम से ही स्क्रिप्ट को का एहसास कर पाते हैं, तो इसलिए इन सबसे सावधानियां बरतते हुए आप ब्रेल की अपनी रीडिंग कंटिन्यू करें, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि ब्रेल अगर हम लोग NIBH जहां एक बहुत बड़ी ब्रेल लाइब्रेरी है, ब्रेल प्रेस है, हम लोग अगर आपकी ब्रेल पढ़ने लिखने में कोई सहायता बुक भेजने के माध्यम से या किसी माध्यम से कर सकते हैं, तो आप अपने ईमेल के माध्यम से लाइब्रेरी को सूचना दें, डाकखाने अब खुल गए हैं, पोस्ट ऑफिस खुल गए हैं, तो हम लोग आपको ब्रेल बुक्स भेजेंगे, ब्रेल प्रेस से मैगजीन्स भी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी रेगुलराइज हो सके और आप तक पहुंचनी शुरू हो सके। मैं अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त रखूंगा ताकि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास क्या, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हैं और वीरेन सिंह जी भी बहुत उत्सुक इस मामले में हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सके, मैं चाहूंगा कि इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लें और लक्ष्मी जी इसको ऑर्गेनाइज करें, लक्ष्मी जी क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों के हमारी बात। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स की ओर से वेबिनार कंडक्ट करने के लिए शुभकामनाएं मिली हैं और सभी स्पीकर को सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्टिसिपेंट्स ने थैंक्स अपना कन्वे किया है। हमें सिर्फ दो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जो कि रोहित सर को एड्रेस हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिला है नकुल आर्य से, वो जानना चाहते हैं हाउ टू हेल्प टू लर्निंग ट्रेन टू ए ब्लाइंड चाइल्ड। रोहित सर आप सुन रहे हैं? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया इनके प्रश्न का उत्तर आप दें। जो जो नकुल जी का सवाल है, मैं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार से ब्रेल सिखाई जाए एक दृष्टिबाधित बच्चे को, दृष्टि दिव्यांग बच्चे को, तो इसमें सबसे पहली चीज है बच्चे के मस्तिष्क में ब्रेल के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। ब्रेल के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ब्रेल डॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, सिक्स डॉट्स का उसको कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा उंगली पर, क्योंकि बच्चा है तो उसका सेंस उसी हिसाब से लचीला होता है और वो समझ सकता है आसानी से, और साथ ही उसको कॉन्सेप्ट देने के लिए दूसरी चीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, जैसे कि तीन बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा कर दे, तीन को एक पंक्ति में खड़ा कर दे और कॉन्सेप्ट दे दे उसे, लेकिन उसके बाद डॉट से ही स्पर्श कराए, ब्रेल के जो डॉट्स होते हैं जो बिंदु होते हैं वही आकार उसकी उंगलियों में बैठाया जाना चाहिए, और ब्रेल स्लेट का प्रयोग करते हुए उसको ब्रेल सिखाई जानी चाहिए। दूसरा सवाल एक अमन का है जो कि ऑर्बिट रीडर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ऑर्बिट रीडर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ऑर्बिट रीडर क्या होता है ये जाना चाहते हो, तो ऑर्बिट रीडर में बताना चाहता हूँ कि एक टेक्निकल टर्म है, यानी कि टेक्निकल डिवाइस है जो उसके माध्यम से हम ब्रेल पढ़ते हैं और लिखते हैं, इस डिवाइस की सहायता से आप ब्रेल को लिख सकते हैं और ब्रेल को प्रिंट को ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से या मोबाइल से कनेक्ट करके, वायर से या वायरलेस दोनों तरीके से कनेक्ट करके ऑर्बिट
रीडर की सहायता से आप प्रिंट फॉर्म को ब्रेल में पढ़ सकते हैं और ब्रेल के लिखने वाले तरीके से आप उसको प्रिंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्बिट रीडर होता है। देखिए ऑर्बिट रीडर जैसे बहुत से डिवाइसेज हैं वैसे, लेकिन यह कि ऑर्बिट इज काफी चीपर है, अफोर्डेबल कॉस्ट है उसकी, 30-35 हज़ार में आ जाता है। ऑर्बिट रीडर वालों ने जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था तो हमारे NIVH में भी आए थे वो, और टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने अपनी, शायद हमारे प्रिंसिपल साहब भी थे उसमें जब वो लेकर आए थे, तो हम लोगों ने कमेंट्स दिए थे उसमें, कुछ इम्प्रूवमेंट की बात की थी, तो हमें नहीं मालूम कि वो इम्प्रूव्ड वर्जन हम लोगों को नहीं दिखाया बाद में, तो वो अब सेल कर रहे हैं। खैर बहुत अच्छा सिस्टम हो, सबसे बड़ी बात है कि फुल प्रूफ है उसमें, उसका हार्डवेयर भी ठीक है और एक लिमिटेड जो सॉफ्टवेयर है जिस पर्पज के लिए है, क्योंकि अफोर्डेबल कॉस्ट में उतना ही हो सकता है। उसमें यह है कि ASD लगता है, पेन ड्राइव नहीं लगता उसमें। दूसरी बात यह है कि वाईफाई भी नहीं है उसमें, वाईफाई की वो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ अच्छा है वो, उसकी टेक्नोलॉजी कम से कम इंडिया में कहा तो जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ब्रेल प्रोडक्शन के लिए अच्छा है यूज करने के लिए। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो ऑर्बिट से, तो आप उनके सपोर्ट सर्विस से पूछें, और मैं उसको यूज नहीं करता, मैं तो ह्यूमन वेयर वालों का करता हूँ, अपेक्स मॉडल एक नोट टेकर वो करता हूँ। थैंक यू सर। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ हेड से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार धालवाल फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र सिंह सर जी को प्रणाम करूंगा और मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे संस्थान पे बना रहे, और मैं सभी को इस एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेबिनार के अंदर आने, जुड़ने और अपने अनुभव शेयर करने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ओजस्वी निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें इस तरह के वेबिनार करने के लिए, इस तरह के इंटरेक्शन करने के लिए हमें मोटिवेट भी किया, और सपोर्ट भी उनका हमारे साथ बना हुआ है। तो और निश्चित रूप से ये बहुत सारी सीरीज, हम जैसा कि समझ सकते हैं कि चुनौतियों में भी कई बार अवसर निकल आते हैं, तो ये एक अवसर है। जैसे अभी हम बहुत एक लंबे अंतराल के बाद वीरेंद्र सिंह सर जी को हम देख पाए, सुन पाए, हम यहाँ पे मिल पाए, भले ही वर्चुअली, बट एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही अगर हम इस वेबिनार से जुड़े तो। डिफिकल्टीज और चुनौतियों में भी कई बार अवसर निकल आते हैं, तो उसी तरह से ये अवसर है कि हम इस तरह के वेबिनार्स करके और एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। तो धन्यवाद है निदेशक महोदय जी का, जिन्होंने ये हमें सुझाया और हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। हमारे आज के जो प्रबुद्ध वक्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, रोहित जो कि हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और आज हमारे साथी के रूप में और एक अनुभवी और एक एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने आज अपना अपने विचारों को रखा। रेल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बताई, तो मैं रोहित जी का जो है तहे दिल से आभारी हूँ, संस्थान की तरफ से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, फॉर्मली धन्यवाद करना चाहूंगा वीरेंद्र सिंह सर जी का, जिनका की बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव रहा है, बहुत ही वृहद और विराट एक अनुभव रहा है ब्रेल के क्षेत्र में, ब्रेल के विकास भारत में, ब्रेल के विकास के क्षेत्र में। सर ने जो है हमारे BCI को भी चेयर किया है, उसमें बहुत ही एक्टिव उनकी भूमिका रहती है, तो ब्रेल के विकास में जो है उनका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं वीरेंद्र सिंह सर जी का तहे दिल से आभारी हूँ और संस्थान की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने
अपने बहुमूल्य समय में से और वो भी बहुत ही कम समय में उनको जब पता चला कि उनको हम रिसोर्स पर्सन की तरह से आमंत्रित कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार न केवल स्वीकार किया बल्कि वो आए और उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को एनलाइटन किया, हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद सर। कमलबीर सिंह सर जो है हमारे अग्रज हैं, हमें उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं कमलबीर सिंह जग्गी जी का तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने एक वक्ता के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में भी और इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं कमलबीर सिंह जग्गी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना हो उसके लिए वेबिनार करना जरूरी हो जाता है, और वेबिनार करने के लिए कुशलता पूर्वक उसका संचालन करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं आईटी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और डॉक्टर पंकज, भावना नायर और दीपक जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट किया, मॉडरेट किया, ऑब्जर्व किया, लोगों को जोड़ा, और उन्होंने कई बार मैं सुन रहा था कि एक चेतावनी भी वहां से जारी हो रही थी कि भी बीच बीच में वो अनावश्यक रूप से अपनी प्रेजेंटेशन सुनना शुरू करें। तो ये धीरे धीरे करके हमें वेब एटिकेट्स शायद हम लोग डेवलप करेंगे, शिष्टाचार को हम लोग डेवलप कर पाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। मैं लक्ष्मी पोखरियाल मैडम जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो कि हम सब जानते हैं कि भी वो एक वर्कहोलिक वुमन है, बहुत ही हर समय तत्पर रहती हैं और किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक वो संचालित करती हैं, उसको अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। लक्ष्मी जी का तहे दिल से आभार। पूरे मेरे टीसीएबी के सभी स्टाफ जो इस प्रोग्राम को करने के लिए इन्वॉल्व रहे और इसको सफल बनाया, मैं पूरे स्टाफ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स के बिना कोई भी गोष्ठी, कोई भी इस तरह की वेबिनार पूर्ण नहीं हो सकती, तो मैं सभी प्रतिभागियों का जो कि पूरे देश भर से हमारे साथ जुड़े और जुड़े रहे, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को सुना और निश्चित रूप से वो ब्रेल विषय जिस पे हम लोगों ने चर्चा की उसमें से बहुत कुछ वो अपने साथ लेके जाएंगे और आगे ब्रेल के विकास और ब्रेल की आवश्यकता और ब्रेल के बारे में वो विचार करेंगे और आगे इसके विकास में अपना योगदान देंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।